दोस्तों 2020 जल्दी ही खत्म होने वाला है, लेकिन हमारी गैजेट्स की लिस्ट वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर आने वाले साल ही नहीं बल्कि हर आने वाले दिन के साथ बहुत से नए गैजेट्स इन्वेंट होते रहते हैं पूरी दुनिया में। और इन न्यू गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ मैं आपके लिए। तो आज भी आप देखेंगे 7 ऐसे ही कूल गैजेट्स, जिनमें से कुछ गैजेट्स मिनी साइज के हैं तो कुछ काफी बड़े हैं, बट पर्पस सबका एक ही है और वो है आपकी लाइफ को पहले से ज्यादा आसान बनाना। तो चैनल को करके सब्सक्राइब दबा दीजिए बेल आइकन फटाफट से, और फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए गाइस, और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस आज नंबर 1 पर हम करेंगे शुरुआत स्नोपा एटम 2 से। स्मार्टफोन गिम्बल्स तो मैंने आपको काफी सारे दिखाए हैं, बट एटम 2 पहला गिम्बल है जो कि ऑटो फोल्डेबल है। अब क्योंकि ये एक पॉकेट साइज 3 एक्सिस गिम्बल है तो इसे कैरी कर पाना हो जाता है बेहद आसान दूसरे गिम्बल्स के कंपैरिजन में, और इसका यूज और भी इजी बना देती है इसकी ऑटो फोल्डिंग डिजाइन और स्मार्ट सेंसिंग फीचर। बात करें इसमें आपको दूसरे और कौन कौन से फीचर्स मिल जाएंगे, तो बिल्ट इन ट्राईपॉड और एक्सटेंडेबल हैंडल के साथ साथ फास्ट चार्जिंग भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, और ये सारी यूनिक फीचर्स इसे एक वर्सेटाइल फिल्मिंग असिस्टेंट बना देते हैं। स्मार्टफोन और एटम 2 की हेल्प से आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो शूट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी कन्वीनियंस ये हो जाती है कि एटम 2 ओपन एंड क्लोज एक्शंस को सेंस कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग आर्म्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, साथ ही किसी पर्सन की ट्रैकिंग भी ये बहुत ही स्मूथली कर लेता है। इसमें आपको जेस्चर कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिससे आप इशारों से भी इसके कुछ फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या फिर किसी भी तरह के वीडियोस को शूट करते हैं अपने स्मार्टफोन से, एटम 2 का इस्तेमाल करके आप वीडियोस की क्वालिटी को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। फिडो D11। दोस्तों बात करें ई बाइक्स की, तो वैसे तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है, बट अगर ई बाइक क्रिएटिव हाईटेक और यूनिक हो तो ये मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ काफी फन भी हो सकती है। और फिडो D11 भी एक ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक ई बाइक है जिससे डिस्टेंसेस तो कवर की ही जा सकती है, बट इसे चलाने का भी अपना ही एक अलग मजा है। बात करें इसके साइज की तो वो कोई ज्यादा नहीं होता, इसके अलावा ये अल्ट्रा लाइट वेट भी होती है। आपको बता दूं गाइस इसका वेट होता है सिर्फ 12.9 केजीज। मूवमेंट मोड में ये ई बाइक 100 किलोमीटर तक की राइडिंग रेंज प्रोवाइड कर देती है, जो कि जल्दी कोई दूसरी ई बाइक नहीं दे पाती। मतलब इस साइज की ई बाइक में इतनी ज्यादा रेंज वाकई में नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि आपको भी याद होगा कि आज तक मैंने आपको जितनी भी ई बाइक्स दिखाई हैं इतनी रेंज तो किसी की भी नहीं रही। अब सोचिए कि इतनी सी ई बाइक में बहुत ज्यादा स्पेस तो है नहीं अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए। तो आपको बता दूं इसमें जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसे फुली यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल इसमें इंटीग्रेटेड सीट पोस्ट में बैटरी और टेल लाइट दोनों ही मौजूद होती है, यानी कम स्पेस में ज्यादा एफिशिएंसी। एक और इम्पोर्टेंट फीचर इस ई बाइक का ये होता है कि ये फोल्डेबल होती है, तो इसे आप मल्टीपल पॉइंट्स पर से फोल्ड करके इसके साइज को और भी ज्यादा रिड्यूस करके इसे अपनी कार में या फिर किसी भी कम स्पेस वाली जगह में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस इसे आप सिटी में तो राइड कर ही सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, साथ ही एडवेंचर्स पर साथ ले जाने के लिए भी ये एक परफेक्ट ई बाइक हो जाती है। DJI Mini 2। अब बात करें अगर कॉम्पैक्ट ड्रोन्स की, तो जो कम साइज के ड्रोन्स में बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादातर DJI के ही ड्रोन्स होते हैं, और ये भी एक ऐसा ही ड्रोन है जिसका साइज तो काफी मिनी है, तभी इसका नाम ही मिनी 2 है। बट ये है एक प्रीमियम ड्रोन, यानी फीचर्स में इसमें आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। ये 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है 30 FPS में, तो डिटेलिंग एंड क्वालिटी इससे शूट किए जाने वाले वीडियोस की काफी हाई रहती है। और इसके अलावा भी ये आता है 4x जूम के साथ, जहां दूसरे ड्रोन्स की फ्लाइट पर विंड स्पीड काफी ज्यादा असर डालती है, वहीं इस ड्रोन को आप तब भी आसानी से उड़ा सकते हैं जब विंड स्पीड बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ये आता है लेवल 5 विंड रेजिस्टेंस के साथ, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि विंड स्पीड इसकी स्मूथ फ्लाइट एंड स्टेबिलिटी पर कुछ खास असर नहीं डाल पाएगी। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 एक्सिस गिम्बल कितना ज्यादा स्टेबल होता है वीडियो शूट करने में एंड वीडियो काफी स्मूथली रिकॉर्ड करने में भी हेल्प करता है, तो इसमें भी आपको 3 एक्सिस गिम्बल मिल जाता है। आउटडोर ट्रिप्स और एडवेंचरस एक्टिविटीज पर जाते वक्त अपने प्रीशियस मोमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए DJI Mini 2 बहुत ही अच्छी चॉइस है, क्योंकि ये एक तो बहुत ज्यादा इजी टू कैरी एंड कन्वीनियंट तो है ही, साथ ही वीडियो की क्वालिटी भी इसमें आपको बेहद जबरदस्त मिल जाएगी। वॉलेट निंजा। अब गाइस वैसे तो हम अपने वॉलेट में कई तरह के कार्ड्स रखते हैं, बट वॉलेट निंजा ऐसा कार्ड है जिसमें 18 अलग अलग तरह के टूल्स मौजूद होते हैं, 18 टूल्स सिर्फ एक कार्ड में, और इसकी कॉस्ट की बात करें तो वो है सिर्फ 159 रुपीज। तो वॉलेट निंजा है एक 18-in-1 मल्टी टूल कार्ड, इसका साइज लगभग एक क्रेडिट कार्ड जितना ही होता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, और इसमें मौजूद 18 टूल्स में से किसी भी टूल की जरूरत जब आपको पड़ेगी तो उस पर्टिकुलर टूल को आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा।
मिलेगा। बात करें इसमें मिलने वाले कुछ टूल्स की तो वो है स्क्रू ड्राइवर, बॉटल ओपनर, कैन ओपनर, पीलर, लेटर ओपनर, बॉक्स ओपनर और भी बहुत से टूल्स जिनकी जरूरत हमें अक्सर पड़ती ही रहती है। अब साइज तो इसका स्मॉल होता है और क्योंकि ये है तो एक कार्ड ही तो स्लिम भी ये बहुत ज्यादा होता है, बट इसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल भी होता है। एक और कमाल की बात ये भी है कि इसे आप एक सेलफोन स्टैंड की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा जाए तो एक कार्ड में इतने सारे यूजफुल टूल्स होना ये चीज इसे काफी अच्छा यूटिलिटी गैजेट बना देती है। और इसे परचेज करने की लिंक भी आपको बाकी सारे गैजेट्स की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ई डेस्क हब हेल्दी और प्रोडक्टिव वर्किंग के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, उनमें से एक होता है वर्किंग एनवायरनमेंट का कंफर्टेबल होना एंड सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है उनका आपके पास मौजूद होना। अब जाहिर है अगर आपको फोन के लिए चार्जर लेने बार बार अपनी डेस्क से उठना पड़ेगा तो वो ना ही प्रोडक्टिव की कैटेगरी में आएगा और ना ही कम्फर्टेबल की कैटेगरी में। तो ई डेस्क हब एक स्मार्ट डेस्क है जो कि कम्फर्ट के हिसाब से तो खुद को एडजस्ट कर ही लेती है। इसके अलावा इसमें काफी बेसिक इक्विपमेंट्स भी मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत हमें दिन पड़ती रहती है। इस स्मार्ट टेबल को किड्स यूज कर सकते हैं अपनी खुराफात के लिए, टीनेजर्स यूज कर सकते हैं एज अ स्टडी टेबल और एडल्ट्स या दूसरे लोग जो जॉब वगैरह करते हैं वो भी इसे यूज कर सकते हैं। और ये सारे लोग इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसे क्योंकि इसकी हाइट होती है एडजस्टेबल, यानी पर्सन टू पर्सन इसकी हाइट चेंज की जा सकती है लोगों की जरूरत के हिसाब से। इसमें यूएसबी पोर्ट्स भी मौजूद होते हैं तो इसमें आप अपने यूएसबी बेस्ड गैजेट्स को भी चार्ज कर सकते हैं। और अगर इससे भी आप इंप्रेस नहीं हुए हैं तो इसमें मौजूद बिल्ट इन वायरलेस चार्जर से डायरेक्टली स्मार्टफोन को भी चार्ज किया जा सकता है। तो वर्किंग से लेकर रिलैक्सिंग पर्पस कोई भी हो, ये स्मार्ट डेस्क उसे परफेक्टली पूरा कर देती है। स्टॉगल्स अब गाइस हमारी आईज डेली बेसिस पर कितनी ज्यादा गंदगी और हार्मफुल सिचुएशन में रहती हैं, आजकल की बिजी लाइफ में इस पर जल्दी कोई ध्यान नहीं दे पाता जब तक आंखों से रिलेटेड कोई बड़ा इशू क्रिएट नहीं हो जाता। और देखा जाए तो आंखों को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाना भी कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं हो पाता है क्योंकि ग्लासेस हम पहनते तो हैं भले ही वो टेस्टेड हो या फिर फैशन पर्पस से हो, बट साइड से वो ओपन रहते हैं यानी वो साइड बाय साइड हमारी आंखों को कवर नहीं कर पाते। लेकिन अब बात करें स्टॉगल्स की तो ये पहले ऐसे गॉगल्स हैं जो कि डिजाइन किए गए हैं क्लासिक आई वियर फ्रेम्स वाले लुक्स एंड फील्स देने के लिए। और इसके साथ ही साथ ये आईज को हमारी गंदी फिंगर से भी प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हम बिना जरूरत के ही सिर्फ आदत से मजबूर होकर ही दिन में कई बार अपनी आंखों में फिंगर्स लगाते हैं। और ये आदत एकदम से तो नहीं बट धीरे धीरे आईज को काफी नुकसान पहुंचा सकती है और स्टॉगल्स इस आदत से छुटकारा दिला सकते हैं। ये लुक्स में तो ऑसम होते ही हैं, इसके अलावा ये ब्लू लाइट को ब्लॉक करके हमारी आईज को और भी ज्यादा प्रोटेक्टेड रखते हैं। इसमें एंटी फॉग लेंसेस का इस्तेमाल किया गया है जिसके चलते विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत किसी भी सिचुएशन में जल्दी नहीं आती इनमें। अब जब हम अपनी नोज एंड माउथ को मास्क लगाकर प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारी आंखें तो और भी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसे में आईज को भी प्रोटेक्टेड रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेडिशनल गॉगल्स के कंपैरिजन में स्टॉगल्स काफी ज्यादा एडवांस्ड और यूजफुल हो जाते हैं। रग्स अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अपनी चीजों को पैक करना हो दो में से एक में, बैग या फिर बॉक्स, और फिर कैरी करना हो उन्हें, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? कुछ लोग कहेंगे बॉक्स तो वहीं कुछ लोग चुनेंगे बैग, बट परफेक्ट आंसर ये है कि पैकिंग के लिए एक बॉक्स परफेक्ट रहता है और कैरी करने के लिए बेस्ट होता है एक बैग। वरना क्यों हम ट्रैवल करते टाइम अपना सामान सूटकेस में पैक करते हैं और अपनी डेली लाइफ में लाइक स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए क्यों हम बैग यूज करते हैं? जाहिर है मेरा पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि एक बार में तो एक ही चीज यूज की जा सकती है ना, या तो बैग या फिर बॉक्स। और यहीं पर आ जाता है रक्स, जिसमें कि आप चीजें पैक तो कर सकते हैं एक बॉक्स के तौर पर, बट इसे कैरी करना बिल्कुल एक बैग जैसा आसान और रिलायबल होता है। यानी दोनों ही एस्पेक्ट्स में ये हो जाता है एक परफेक्ट इन्वेंशन अपने गियर को कैरी करने के लिए। इसकी बनावट काफी हद तक एक बॉक्स जैसी ही होती है तो इसमें आपको काफी सारा ओपन स्पेस देखने को मिल जाएगा जिसमें आप एक बैग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टफ स्टोर कर सकते हैं वो भी फ्रीली। तो स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें क्लियरली एडवांटेज ही है और कैरी करने के लिए सिंपली इसे पकड़ लेना होता है इसके स्ट्रैप से और आसानी से कैरी किया जा सकता है। मार्केट से ढेर सारा सामान लाना हो या फिर पिकनिक या बीच वगैरह पर जाना हो, तुरंत के तुरंत इजी पैकिंग के पर्पस से रक्स बिल्कुल परफेक्ट है और इसे बनाया ही गया है आउटडोर लाइफ की सिचुएशंस को परफेक्टली हैंडल करने के लिए। यानी ये खुद को तो प्रोटेक्टेड रखता ही है, साथ ही इसमें मौजूद स्टफ को भी सेफ रखता है। लाइक आपको बता दूं कि ये वाटरप्रूफ होता है तो बाहर चाहे जितनी बारिश हो रही हो इसमें रखा हुआ सामान ड्राई ही रहेगा क्योंकि पानी इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो नॉर्मल जो बैग्स एंड सूटकेसेस होते हैं उनके कंपैरिजन में रक्स एक एडवांस्ड और बेटर चॉइस है। तो अब आपकी बारी है वीडियो को लाइक करने की, तो जल्दी से इसे लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिएगा ऑल पर ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट से आप रहें अपडेटेड हमेशा। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।